बाबा के एक महावाक्य आया है, अरविंद घोष अकेला भागा था, फिर उसमें आकर के अच्छी सोल ने प्रवेश किया। अभी देखो कितनी वृद्धि हो गई है, यह तो होता ही है। ये मिसाल बाबा ने क्यों दिया? किसका मिसाल दिया? नाम दिया अरविंद घोष। अरविंद किसको कहा जाता है? कमल के फूल को अरविंद कहा जाता है। कमल फूल फूलों के बीच में बड़े से बड़ा परिवार वाला होता है, बहुत बड़ा बेहद की गृहस्थी वाला है। कहाँ खिलता है? हैं? कीचड़ में खिलता है। ये दुनिया कीचड़ की है, इसलिए नाम दिया है बाबा ने काली दह, राव रव नरक है। उस कीचड़ से कमल फूल समान जीवन बनाने वाला, उसका हद में नाम दिया अरविंद। टाइटल क्या दिया अरविंद का? टाइटल क्या दिया? दिया या था ही? उस हद के अरविंद का टाइटल था ही घोष। घोष माने घोषणा करने वाला। भागा था। कहां से कहां भागा था? हैं? हिस्ट्री नहीं मालूम? बंगाल से भागा था। पांडुचेरी में जाकर ठिकाना बना लिया। चेरी किसको कहा जाता है? हैं? चेरी माने दासी, पांडुचेरी माने पांडवों की दासी। ब्राह्मणों की दुनिया में पांडुचेरी कौन है? पांडवों की दासी का पार्ट बजाने वाला पार्टधारी कौन है? बंगाल से भागा तो पांडुचेरी में जाकर के पांव जमाया। पांडव कौन की सेवा करने वाली दासी कौन है? ठीक है, द्रौपदी दूसरा नाम बता दो। द्रौपदी तो है, दूसरा नाम क्या हुआ? दासी कहते हैं तो क्या आंगन में बैठने वाली थी कि बेडरूम में रहने वाली थी? दासी को कहाँ बैठाते हैं? हैं? दासी को आंगन में बैठाते हैं या बेडरूम में बैठाते हैं?
आंगन में बैठाते हैं। तो माता ने नाम दिया द्रौपदी। द्रौपदी किसका पार्ट है? जगदम्बा का पार्ट है। उसकी भी पूजा तो होती है। कौन से रूप में पूजा होती है जो आंगन में रख दी जाती है? है? तुलसी के रूप में पूजा होती है। चेरी है तो यज्ञ के आदि में कहां से निकला वो बेहद का अरविंद घोष? इस रथ को कहां से पकड़ा? बंगाल से पकड़ा। हद का अमृत अरविंद घोष भी बंगाल का था। वो हद के बंगाल की बात, ये बेहद के बंगाल की बात। बंगाल क्या शंकर को क्या पीते हुए दिखाते हैं? हैं? भंग, सारी भंग पी जाता था। सारी भंग माने भंग में एक चीज मिलाई जाती है या सारी चीजें मिलाई जाती है? एक चीज मिलाई जाती है, है? सिर्फ भांग की पत्तियां ही होती हैं और दूसरा कुछ नहीं होता है। अरे बहुत कुछ मिलाते हैं, बादाम भी मिलाते हैं, मिगी भी मिलाते हैं, ढेर सारी चीजें मिला करके फिर भांग घोटते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि शंकर ने ऐसे नहीं सिर्फ ईश्वरीय ज्ञान ही घोटा, मनन चिंतन मंथन किया, बल्कि शास्त्रों का भी मनन चिंतन मंथन किया या नहीं किया? किया। ईश्वरीय ज्ञान को शास्त्रों से टैली किया या नहीं किया? टैली किया। और सिर्फ भारत के शास्त्रों से ही टैली किया होगा या दुनिया में जो भी मुख्य मुख्य धर्म हैं सब शास्त्रों से टैली किया? वो सिर्फ भारत का बाप है या विश्व का बाप है? विश्व का बाप है। तो भांग दिखाते हैं। नाम दे दिया अरविंद घोष। यज्ञ के आदि में वो सोल बंगाल से थी, फिर भाग करके अगले जन्म में कहां आई? है? एडवांस में आई तो कहां आई? नहीं, कंपिल में जगदम्बा होती है क्या? है? जगदम्बा कहां, कहां से निकली? खून तो पंजाबी है, लेकिन जैसे बोलते हैं कि रथ को कहां से पकड़ा तो कहते हैं बंगाल से, माने कलकत्ते से। तो जगदम्बा को कहां से पकड़ा? सारे जगत की अम्बा कौन है? ऐसा शहर कौन है जिसकी गोद में हर धर्म वाले ने मनमानी राजाई की है? एक नादिर शाह भी आया था, नादिर शाह। उसने लाल किले के पास जो चांदनी चौक है ना, उसमें खूब खून की होलियां खेली थी, खून की नदियां बहा दी थी,
अकारण ही। तो मनमानी की या कोई देख कायदे कानून से चला है, मनमानी की। ये ऐसी माँ है दिल्ली राजधानी, जिस राजधानी में दुनिया के हर धर्म ने मनमाने तरीके से राजाई की, वो जगत की अम्बा है। जो जगत की अम्बा पहले दुर्गा के रूप में पाठ बजाने वाली होती है, दुर्गा दुर्गति नाशिनी कही जाती है, दुर्गा दुर्गुणों को दूर करने वाली कही जाती है, वो ही दुर्गा अंतिम जन्म में क्या हालत बन जाती है, है? नीचे गिरती है या ऊपर उठती है? है नीचे गिर जाती है। नाम देते हैं, दो नाम दे दिए दिल्ली के, पुरानी दिल्ली और नई दिल्ली। तो अरविंद घोष की बात हो रही थी, अकेला भागा, बेहद का अरविंद घोष यज्ञ के आदमी अकेला भागा। उसमें अच्छी सोल ने प्रवेश किया। किसने प्रवेश किया होगा? है अच्छी सोल ने प्रवेश किया और भाग करके पहुंचा कहां? है जहां पांडवों की चेरी बैठी हुई थी। कहां बैठी हुई थी? है दिल्ली में। जगदम्बा में आकर के वास किया। वो पांडवों की चेरी है या नहीं है? सबसे बड़े दास दासी कौन होते हैं? माँ बाप ही सबसे बड़े दास दासी होते हैं। तो पंडा बाप के जो बच्चे पांडव कहे गए, उनकी उसने खूब सेवा की पांडचेरी ने, वहां जाकर के बैठ गया। जब बैठ गया तब उतनी वृद्धि नहीं थी है? पांडचेरी में जब अरविंद घोष आकर बैठ गया तब उतनी वृद्धि थी नहीं थी। अभी देखो अरविंद घोष के फॉलोअर्स की दुनिया में कितनी वृद्धि हो गई। ये तो होता ही है। तो ये अरविंद घोष का जो मिसाल दिया है वो हद के लिए दिया है या बेहद में समझाने के लिए दिया है? हैं? बेहद की बात समझाने के लिए ये अरविंद घोष का मिसाल दिया। और है अभी तक महान आत्माओं तक पहुँचे है, परमात्मा तक नहीं है। परमात्मा से मिलने वाले हैं ये भी समझते हैं, लेकिन परमात्मा से मिलकर जो करना है वो प्लेन बनाना पड़ेगा। ढूंढ रहे हैं महात्मा कौन है, देव आत्मा कौन है, परमात्मा कौन है, ढूंढ रहे हैं या कर्म कन्फर्म होकर के पहुंच गए हैं? है बुद्धि का कन्फर्मेशन हो चुका है, जैसे ट्रेन में रिजर्वेशन कराते हैं तो कन्फर्म हुई है सीट या नहीं?
बुद्धि कन्फर्म हो चुकी है कि यही भगवान है। माया हिलाती तो नहीं है, है? माया बुद्धि की सीट को हिलाती तो नहीं है कि पता नहीं भगवान है या शैतान है, है भी या नहीं है। महान आत्मा तो है। लेकिन भगवान है क्या, इसी सोच में पड़े हुए हैं। फिर से एक बार पढ़ दो। अभी तक महान आत्माओं तक पहुँचे, महान आत्माओं तक पहुँचे हैं, परमात्मा तक नहीं, परमात्मा तक नहीं पहुँचे हैं। महान आत्मा तो है, बीके वाले भी क्या समझते हैं, है? बहुत बुद्धिमान आत्मा है, बहुत बुद्धिमान विद्वान आत्मा है, महान आत्मा है, यहाँ तक तो पहुँचे हैं। हाँ, और आगे? परमात्मा से मिलने वाले हैं, परमात्मा से मिलने वाले हैं, वो तो बात पक्की है। आगे चल के, आगे चल के क्या अंजाम होना है उनका? परमात्मा से मिलने वाले हैं या नहीं है? मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? मिलेंगे तो, और हैं भी परमात्मा से मिलने वाले, माने जिंदगी का जो सफर है वो खुद भी कहते हैं हम परमात्मा से मिलने वाले हैं। फिर आगे, ये भी समझते हैं लेकिन परमात्मा से मिलकर जो करना है वो प्लेन बनाना पड़ेगा। हाँ, परमात्मा से मिलकर के क्या करना है वो प्लान बनाना पड़े, क्या करना है, है? कोई परमात्मा से मिल जाए या परमात्मा उसे मिल जाए तो फिर क्या करना पड़े, क्या करने को रह जाता है जब परमात्मा मिल जाता है? अरे परमात्मा अगर मिल जाए तो फिर क्या करना चाहिए, क्या करने को रह जाता है, है? परमात्मा अगर मिल जाए तो उसके मुख से जो ऑर्डर निकले उस ऑर्डर पर चलना चाहिए। परमात्मा मिल जाए फिर कागजों की मुरली को कोई पढ़ता रहे तो कहेंगे कि मिल गया, मिल गया है? क्यों, क्यों? कोई परमात्मा की बोली हुई तो मुरली है। वो जो मुरली है वो शिव बाप की बोली हुई है या नहीं है? तो मुरली पढ़ने सुनने में क्या दोष, पढ़ने में क्या दोष? हाँ, मुरली तो बंधी हुई है, किताबों की तरह बंधी हुई है। मुरली से हर प्रश्न का जवाब कागज की मुरली से नहीं मिल सकता। टैप रिकॉर्डर में भी जो मुरली है वो हर प्रश्न का जवाब नहीं देगी, हर बात का समाधान कागज की मुरली से, टैप रिकॉर्ड की मुरली से, टीवी से नहीं मिलता। काहे से मिलेगा, है? जब बाप सन्मुख मिले, तो जब भगवान मिल गया तो कुछ करने को नहीं रह जाता सिवाय बाप के डायरेक्शन पर चलने के। अच्छा, भगवान बाप मिल गया तो रोज क्लास करने को रह जाता है कि नहीं? अरे रोज क्लास करें या नहीं करें? करना चाहिए। किस, कौन सा क्लास? टीवी वाला क्लास, टेप रिकॉर्डर वाला क्लास, कागज की मुरली पढ़ने या सुनने वाला क्लास? तो, है?
भाई कह रहा है कागज की मुरली पढ़ने वाला क्लास रोज करना चाहिए, भगवान मिल जाए तब। अच्छा अच्छा हाँ, क्या करना चाहिए? सन्मुख सिर्फ सुनना चाहिए और पल्लू झाड़ के भाग जाना चाहिए है? क्या करना चाहिए? अरे श्रीमत पर चलना चाहिए, श्रीमत पर चलना चाहिए, बाबा से सुनकर श्रीमत पर चलना चाहिए। माउंट आबू जाने की तो जरूरत नहीं जिंदगी में। अरे रे रे, बातें बदलते जा रहे हैं। पहले तो पुरुषार्थ करना पड़ेगा। पुरुषार्थ करना चाहिए, पुरुषार्थ क्या होता है? क्या पुरुषार्थ करना चाहिए? पुरुष माने आत्मा, अर्थ माने लिए, तो आत्मा के कल्याण के लिए क्या करना चाहिए? जब भगवान मिल जाए है? हाँ, जो बाप कहे तक्षण उसी बात को मान करके प्रैक्टिकल जीवन में चलना है। अगर नहीं चलते हैं तो भगवान मिला नहीं है। बीच बीच में अनिश्चय आता रहता है। और ये किसका टाइटल है? शंकर का टाइटल है। तीन लोक का नाथ शिव है, या शिव जिसमें प्रवेश करता है वो तीन लोक का नाथ बनता है। कौन है? है शिव तो सिर्फ ब्रह्मांड का मालिक है, आत्माओं का बाप है। अंडे अंडे मिसल जो आत्माएं हैं, वो आत्माएं जहां रही पड़ी हैं, जहां से इस दुनिया में आती है और आने के बाद पार्ट पूरा करके जिस ब्रह्मांड में जाती है उस ब्रह्मांड का मालिक है, तीन लोक का मालिक नहीं है। कौन कौन से तीन लोक? त्रिलोकीनाथ। कौन कौन से तीन लोक है? अरे सूक्ष्म लोक का मालिक बनना होता है। तीन लोक में तो वही आते हैं। तीन लोक में तो वही आते हैं। माने सूक्ष्म लोक का मालिक बनना है, फिर सूक्ष्म लोक में तो आता ही नहीं है। टाइटल क्यों देते हैं? वो त्रिलोकीनाथ का टाइटल क्यों देते? तो तुम्हारे क्लैरिफिकेशन या समझ में गलती होगी। आदि मध्य अंत को त्रिलोकीनाथ, तीन लोक कहा जाता है। आदि को कौन सा लोक कहेंगे? मध्य को कौन सा लोक कहेंगे? अंत को कौन सा लोक कहेंगे? कुछ तो बताया लेकिन क्लियर करके बताओ ना। ये समझे आपके पास बैठे हुए हैं, कहते हैं माता गुरु नहीं मालूम। आदि है स्वर्णिम संगम युग। क्या? स्वर्णिम संगम युग है, जहां बाप भी रहता है। जहां तुम बच्चे परम धाम को साकार सृष्टि पर उतार लेते हो, उसे कहेंगे शांति धाम। एक धाम हो गया, दूसरा है सुख धाम,
कौन सा? सतयुग और त्रेता, और तीसरा है दुखधाम। ये हुए तीन लोक, नरक है, स्वर्ग है और शांति धाम। इन तीनों लोकों के मालिक तुम बनते हो। शिव बाबा कहते मैं नहीं बनता हूँ, तुम त्रिलोकी नाथ बनते हो, मैं तो सिर्फ ब्रह्मांड का मालिक हूँ, इसलिए मैं तुमको नमस्ते करता हूँ। नमन कौन करता है, छोटा या बड़ा? अरे तुम तो मुंह ऐसे करके रह गए, बताओ ना। वाले करते हैं। नमन कौन करता है? तो शिव बाबा आके नमस्ते करते हैं तुमको, क्योंकि बाबा सेवाधारी बनते हैं। बाबा ओबीडिएंट सर्वेंट बनते हैं। ओबीडिएंट सर्वेंट जब बने तो कोई हिसाब किताब है कि नहीं? तो कौन बड़ा हुआ, त्रिलोकी नाथ बड़ा हुआ या ब्रह्मांड का मालिक बड़ा हुआ? त्रिलोकी नाथ बड़ा हुआ। इसका प्रूफ कोई शास्त्रों में है? शास्त्रों में भी इसका प्रूफ है। क्या क्या प्रूफ है? गीता में दो तीन श्लोक आए हैं, उन श्लोकों में ये बताया है कि दो तरह की आत्माएं हैं, एक भोगी और एक अभोक्ता। अभोक्ता तो शिव है और भोगी सभी आत्माएं हैं, परंतु इन दोनों से भी श्रेष्ठ गीता में एक और आत्मा बताई है, जिसके लिए संसार में कह दिया है परमात्मा सर्वव्यापी। वो आत्मा है परम पद धारण करने वाली। वो शास्त्रों में परम पद बताया है विष्णु को। कौन है विष्णु? जो ब्रह्मा सो विष्णु। ब्रह्मा अनेकों के नाम है, तो नंबर 12 है। यह सभी ब्रह्मा को परम ब्रह्म कहे है, नंबर 12 है। फिर उनमें महत ब्रह्म कौन है, परम ब्रह्म कौन है, जिसे बोला जाता है शास्त्रों में गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। औरों को नमः नहीं। कौन है परम ब्रह्म है? जिसको दुनिया ने आज कह दिया है वो सर्वव्यापी है। किस आधार पर कह दिया है सर्वव्यापी है? शिव तो कहते हैं मैं तो सर्वव्यापी नहीं हूँ, मैं तो एक व्यापी होकर आता हूँ कि सर्वव्यापी हूँ। तो कौन है सर्वव्यापी? जब आखिरी विनाश का टाइम आएगा तो दुनिया के जो नास्तिक से नास्तिक व्यक्ति है वो भी उस गॉडफादर को मानेंगे। उनकी बुद्धि में वो ही रमण कर रहा होगा।
दुनिया की जो क्षुद्र पाठ बजाने वाली आत्माएं हैं, वो आत्माएं भी उसे ही याद करेंगी, शिव को याद नहीं करेंगी। बिंदु को याद करना, निराकार को याद करना सबके बस की बात नहीं है। वो सुप्रीम सोल जिसमें प्रवेश करता है, मुकर्रर रूप से सारी दुनिया उसको ही याद करेगी। उस समय की यादगार कलयुग के अंत में सारी दुनिया में फैल जाती है। परमात्मा क्या है? सर्वव्यापी। वो भी मजबूर हो जाएगी उसे याद करने के लिए। किस मानवता को देखकर वो याद करती? सारी दुनिया से आवाज आएगी, हमने उसे याद किया तो हम बच गए। दिल से हमने याद किया तो हमारी सुरक्षा हो गई। जब सारी दुनिया से ये आवाज आएगी तो वो ठहर पाएगा। हाँ, जो आत्मा ऑलराउंड पार्टधारी है, वो आत्मा त्रिकालदर्शी नहीं हो सकती। एक ही आत्मा है जिसका नाम शिव के साथ जोड़ा गया है। 500 करोड़ आत्माओं में से एक भी आत्मा ऐसी नहीं है जिसका नाम शिव के साथ जोड़ा गया हो। कौन है बोलो? अरे आगे बैठे हो तो कुछ बोलो। तो कोई है कि नहीं जिसका नाम शिव के साथ जोड़ा गया है? शिव शंकर भोलेनाथ। 33 करोड़ देवताओं में से किसी का नाम नहीं जोड़ा गया। राक्षसी आत्माएं, दानवी आत्माएं, किसी का नाम नहीं जोड़ा गया। जिसका नाम जोड़ा गया है वो वही आत्मा है जिसमें शिव मुकर्रर रूप से प्रवेश करते हैं, और प्रवेश करके आप समान बनाते हैं। बाप क्या करते हैं? बच्चों को आप समान बनाते हैं। तो कोई आप समान बनता है 100% या नहीं बनता है? है? जो अव्वल नंबर में आता है, जो ओटे सो अर्जुन, वो एक ही आत्मा है जो बाप समान बन जाती है। इसलिए त्रिकालदर्शी हो जाती है, सदा के लिए नहीं। क्या सदा के लिए कोई त्रिकालदर्शी हो सकता है क्या? है? नहीं हो सकता। कोई कहे शिव है तो शिव है संगम युग में त्रिकालदर्शी साबित होता है, या चारों युगों में त्रिकालदर्शी साबित होता है? है? सिर्फ संगम युग में त्रिकालदर्शी है। चारों युगों में तो परमधाम वासी है। परमधाम में आत्माएं ऐसे रहती हैं जैसे जड़वत। वहां मनन चिंतन मंथन चलता है? नहीं चलता। आत्माओं का भी मनन चिंतन मंथन नहीं चलता, शिव का भी मनन चिंतन मंथन कुछ और उसको तो वो तो असोचता है। शिव को सोचने विचारने की, मनन चिंतन मंथन करने की दरकार है? नहीं है। अरे शिव की तो बात ही छोड़ो, वो जिसमें मुकर्रर रूप से प्रवेश करता है
वो आत्मा भी संपन्न बनने के बाद असोचता की स्टेज पर आ जाती है कि उस समय मनन चिंतन मंथन में रहेगी है। वो हो गई शिव समान, बाप समान स्टेज को धारण कर लेती है। इसलिए बाप कहते हैं मैं अकेला नहीं जाऊंगा, तुम सबको परम धाम वापस लेकर जाऊंगा, नहीं जावेंगे तो मारपीट के ले जाऊंगा, ऐसे भी बोला है। तो क्या बिंदी मारपीट के ले जाएगी? झाड़ के ऊपर कौन दिखाया है देखो ध्यान से, है सभी आत्माएं जा रही हैं ऊपर और एक रूप आकारी बैठा हुआ दिखाया है। जो मुरली में बोला है मैं तुम सबको साथ ले जाऊंगा, फिर बोलते हैं सिर्फ शांति धाम ही ले जाके नहीं छोड़ दूंगा, उसके आगे आगे भी है या डगर है या नहीं है, है क्या? सुखधाम भी ले जाऊंगा, शांति धाम भी ले जाता हूं और सुखधाम भी ले जाता हूं, है। त्रिनेत्री हाँ माता जी बोले त्रिकालदर्शी जो होते हैं त्रिनेत्री होते हैं, त्रिकालदर्शी होगा, तीनों काल को देखने वाला होगा, तो उसमें भूतकाल भी आ गया, पास्ट में जो भी गुजर गया, भविष्य काल भी आ गया और वर्तमान काल भी आ गया, तीनों काल का दृष्टा वो ही हो सकता है जो ऑलराउंड पार्टदारी हो। ऑलराउंड पार्ट में से एक दिन भी अगर किसी का कम है, एक दिन भी परमधाम में पड़ा रहता है, षष्ठी रूपी रंगमंच पर पार्ट नहीं बजाता है, तो ऑलराउंड पार्टधारी कहेंगे कहेंगे हैं? नहीं कहेंगे। ब्रह्मा की सोल ऑलराउंड पार्टधारी कहेंगे, क्योंकि 50 साल तो वो इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर शरीर से रहते ही नहीं। और बार बार साक्षात्कार होगा तो बोल रही है बार बार साक्षात्कार होती है ये क्यों होती है? हाँ ज्यादा भक्ति की है और इस जन्म में और ही ज्यादा भक्ति की है तो बार बार साक्षात्कार होते हैं। कान लंबी करके सुनो बताओ हमें। जो ब्रह्मा सरस्वती हैं, वो सृष्टि वृक्ष के माँ बाप के रूप में दिखाए हैं, मात पिता के रूप में दिखाए हैं, परंतु जब ये चित्र बनाया गया था उस समय वो मात पिता ब्राह्मणों की दुनिया में मौजूद थे या नहीं थे? नहीं थे, इसलिए उनका जो टाइटल धारी है प्रजापिता और प्रजामाता ओम राधे सरस्वती, उनको बैठा दिया गया।
इसका मतलब ये नहीं है कि जो ब्रह्मा सरस्वती वृक्ष के नीचे बैठे हैं वो सृष्टि वृक्ष के माता पिता हैं। नहीं, माता पिता तो जगदम्बा और जगत पिता ही हैं। जो सृष्टि के आदि में भी बीज रूप हैं और वृक्ष जब पूरा हो जाता है तो भी पहले फल वृक्ष में पहला फल आता है ना, उस पहले फल में बीज और वो बीज जब फल पक जाता है तो बीज फल से अपने को अलग कर देता है, वृक्ष से भी अलग कर देता है, डिटैच हो जाता है मन बुद्धि से। दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो उस बीज को उस वृक्ष से अटैच कर दे, पुरानी दुनिया रूपी वृक्ष से। इसलिए जब भी कोई नया पेड़ लगाते हैं, पौधा लगाते हैं या कोई फसल उगाते हैं तो वृक्ष का पहला फल और उस पके हुए फल में से उस बीज को ढूंढते हैं। उसे ही बोया जाता है। क्लास का टाइम 6 बजे का निश्चित किया गया तो 10-5 मिनट अगर कोई पहले आ जाता है तो अच्छी बात है या बुरी बात है? अच्छी बात है। अच्छा तुम 10 मिनट पहले डाल दिया करो, 5 मिनट पहले आ जाओ तो 5 मिनट पहले डाल दो, लेकिन डाल तब ही दो जब पूरा क्लास करके जाओ। क्या 6 बजे और 6 बजे के बाद क्लास शुरू हुआ और 10 मिनट के बाद रफू चक्कर हो गए तो तुमने सबको धोखा दिया या सही बात लिखी है? सबको बुद्धू बना दिया कि हम क्लास में सबसे पहले आते हैं। और हाँ, क्योंकि जो ब्रह्मा है ना वो तो बैठ गए या पुरुषार्थ में खड़े हुए चल रहे हैं? पुरुषार्थ में खड़े हैं या बैठ गए? हैं? बैठ नहीं गए, पूरे लेट ही गए, दरासाई हो गए हैं? और शंकर जी, शंकर जी पुरुषार्थ में खड़े हुए हैं या पड़े हुए हैं या बैठे हुए हैं? हैं? बैठे हुए हैं। जो खड़ा हुआ व्यक्ति है उससे कहो दौड़ जाओ, हाई जंप लगाओ, तो बैठा हुआ आदमी को ज्यादा टाइम लगेगा या खड़े हुए को ज्यादा टाइम लगेगा? है? बैठे हुए को तो ज्यादा टाइम लग जाएगा और खड़े हुए को और तो फटाक से दौड़ने लग पड़ेगा। तो विष्णु उसमें प्योरिटी की पावर ज्यादा है, ज्यादा प्योरिटी की पावर होने के कारण अंत में भी आएगा एडवांस में, तो लास्ट में आकर कैसा जाएगा? फास्ट जाएगा। इसलिए विष्णु को खड़ा हुआ दिखाया है। खड़े हुए होने से
जो शिव ज्योति बिंदु त्रिमूर्ति में ऊपर दिखाया है वो ज्यादा नजदीक रहेगा या बैठे हुओं के ज्यादा नजदीक रहेगा? त्रिमूर्ति को ध्यान से देखो, है जो खड़ा हुआ है उसके नजदीक रहेगा और जो बैठा हुआ है उसके नजदीक होगा या दूर होगा? दूर हो गया। तो स्मृति की जो लकीरें हैं, ब्रह्मा की स्मृति की लकीर लंबी है, शंकर की भी लंबी है, उनको ज्यादा याद करना पड़ता है। और विष्णु जन्म जन्मांतर का पवित्र है तो उस आत्मा को ज्यादा याद करना पड़ेगा। स्मृति की लकीर लंबी होनी चाहिए या छोटी होनी चाहिए? है छोटी है तो विष्णु को खड़ा होना अच्छा नहीं लगता है, थक जाएगा। वो तो आत्मा अभिमानी है, थकेगा कैसे? जो देह अभिमानी होते हैं वो ज्यादा थकते हैं, जो आत्मा अभिमानी होते हैं उनको थकान नहीं होती है। और ओम राधे मम्मा को जगदम्बा सरस्वती का टाइटल मिला है, है? सारी जगत लंबा तो नहीं, उसको टाइटल क्यों दिया? अरे स्कूल हो या कॉलेज हो, प्रिंसिपल चला जाता है तो उसके असिस्टेंट को टाइटल मिलता है कि नहीं मिलता? क्या टाइटल मिलता है? वाइस प्रिंसिपल मिलता है ना। तो ऐसे ही यज्ञ के आदि में ऐसे ऐसे बच्चे थे जो मम्मा बाबा को ड्रिल कराते थे, टीचर होकर के बैठते थे। मम्मा बाबा समझते थे ये तो बहुत अच्छा नंबर माला में आवेंगे। तो जो मम्मा बाबा को भी कंट्रोल करते थे वो माँ बाप थे या ब्रह्मा सरस्वती माँ बाप थे? यज्ञ में माँ बाप का पार्ट किसने बजाया पहले है? अरे किसने बजाया है? जगदम्बा को जिसने टाइटल दिया, जगदम्बा सरस्वती ने टाइटल लिया आदि माता से। जगदम्बा को सरस्वती को वाक देवी कहा जाता है, वाणी की देवी। तो बेसिक नॉलेज में कन्याओं माताओं के बीच में सबसे जास्ती वाणी किसने चलाई जो सारे ब्राह्मण परिवार को मान्य थी? कौन थी वो? ओम राधे मम्मा। और वो बीच में आई यज्ञ में या आदि में आई थी? तो बीच में, जब बाद में आई है तो टाइटल लिया होगा या देने वाली है? टाइटल लिया। जैसे तुम्हारा बड़ी माँ कहते हैं हाँ, ब्रह्मा दादा लेखराज ही जगदम्बा है असली, वो पुरुषोत्तम था, इसलिए कोई को निमित्त बनाना जरूरी था। पुरुष कन्याओं माताओं को कैसे कंट्रोल करेगा? इसलिए ओम राधे जगदम्बा को निमित्त बना के रखा। बाकी ऐसे नहीं है
क्यों मरादे जगदम्बा जगदम्बा थी, इसलिए मुरली में बोला है ये ब्रह्मा ही तुम्हारी जगदम्बा है परंतु तन पुरुष का है। इसलिए ओम राधे को निमित्त बना के रखा गया है। वास्तव में अम्मा जितना सहन करती है उतना परिवार का कोई भी सदस्य सहन नहीं करता, और ये तो जगदम्बा है, ब्रह्मा है, बड़ी अम्मा है। तो कोई ब्राह्मणों की दुनिया में बताए, चाहे बेसिक में चाहे एडवांस में, सबसे जास्ती सहन किसने किया है? ब्रह्मा बाबा ने किया, कोई नहीं कहेगा कि ब्रह्मा बाबा ने सहनशीलता का पाठ 100% नहीं बजाया। और बाबा ये संगति की पढ़ाई के लास्ट में जो पढ़ाई के रिजल्ट आती है जिसमें विजयमाला भी रुद्रमाला के गाना ऐड हो जाते हैं, ईगल मंच बनते हैं, बाबा ने बताया वो 21 जन्म तक उनका साथ रहने का पाठ बनता है, वो सिर्फ संगमी के लक्ष्मीनारायण का है या ब्रह्मा सरस्वती जैसे आत्मा का भी है या पूरे 4.5 लाख आत्माओं का ऐसे चलता है? 4.5 लाख का भी नहीं, 8 का भी नहीं, 16108 का भी नहीं, त्रेता के अंत में 10 करोड़ जितने भी होंगे सबका युगल का पार्ट अभी नूद होता है, अभी संगम युग नूद होता है, अभी संगम युग में नूद हो जाता है, यहाँ शूटिंग होती है। तो कम से कम एक जन्म से लेकर ज्यादा से ज्यादा 21 तक का शूटिंग होना भी होता है। 21 जन्म तो 4.5 लाख आत्माओं के होंगे, फिर उनके भी होंगे जो उनके बच्चे बनेंगे, माने 9 लाख आत्माओं के पूरे 21 जन्म होंगे। जो आत्मा साथ में आती है वो 21 जन्म तक वही वही आत्मा के साथ चलती है? मजा नहीं आ रहा है? मैंने वही होती है या दूसरा दूसरे आते हैं? पापा बताओ तुम्हें मजा आ रहा है कि नहीं? नहीं, भाई का प्रश्न था, एक भाई का दूसरे के ऊपर डाल दिया। काठमांडू में उनको क्वेश्चन करने का टाइम नहीं मिला, तो मेरे को पूछने के लिए वो क्वेश्चन लिख के दिया था कि ये क्वेश्चन बाबा से पूछ करके क्लियर करके आना। हाँ, तो 9 लाख आत्माएं ऐसी हैं इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर, 9 लाख सितारे ऐसे हैं जो पूरे 21 जन्म तक साथ ही साथ जन्म लेते हैं, पूरे 21 जन्म का उनका साथ अनुदा हुआ है। ब्रह्मा सरस्वती और संगमी के लक्ष्मीनारायण और 4.5-9 लाख सबका जो फिक्स होता है वो 21 जन्म तक चलता है? 21 जन्म तक साथ रहेगा। द्वापर युग से बात दूसरी है, वो तो है ही, द्वैतवादी युग द्वापर, वहाँ दूसरे दूसरे युगल बन जाते हैं, इब्राहिम का प्रभाव बढ़ जाता है सारी दुनिया में, विचार का प्रभाव बढ़ जाता है, वो धर्म सारे ही जो त्रेता के बाद आने वाले हैं वो दुनिया को वैश्यालय बनाने वाले हैं। हाँ बाबा, वो बाबा ने बोला कि कन्या माताओं को ज्ञान का प्लस देती है, वो प्लस ज्ञान का प्लस वो कन्या माता लेके वो घूम घूम करके विष्टा के कीड़े को उठाते, किसी ने बंगा जाता कोई तो सब जाते कोई तो उड़ने लग पड़ते हैं, तो ऐसे वो बेसिक में आए और एडवांस में आए बाबा के सामने भी आए मिले, फिर भी बाबा बोलते थे वो काली दर में फिर भी पड़ते हैं, वो काली दर में गए फिर सर्प सर्प नहीं बने, पिछू टिंडन भी पैदा किए, ऐसे आत्मा की बाबा फिर कल्याणकारी है तो किस रीति कल्याण करते हैं? माना बाबा आता है
तो 500 करोड़ को लक्ष्मी नारायण बनाना चाहिए। अगर नहीं बनाता है तो किस बात का बाबा आता है? ऐसे बाबा का हमको क्या करना? हमको तो बड़ी गुस्सा आती है शिव बाबा के ऊपर। हिंदी सर्विस बनती है तो उसका कैसे कल्याण करते हैं? कोई भूत तो नहीं आगे बैठता है। ज्ञान व्यान सारा भूल जाता है। अरे पढ़ाई पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे तभी बनेंगे, या सारा बाबा ही करेंगे? वो फिर ज्ञान में आगे पुरुषार्थ करके वो अपना पाठ सुधार सकते हैं? जो पहले स्टेज बननी थी, एक बार टूटने के बाद, अनिश्चय बुद्धि बनने के बाद, वो पहली जैसी स्टेज नहीं बन सकते। हाँ, आगे बढ़ सकते हैं। कोई न कोई धर्म में उनको ऊंचा पद मिल जाएगा। जो टूटने वाले हैं, क्या तो टूट गए, फिर उठ नहीं सकते? क्यों नहीं है, बताया ना, दोबारा आ जाते हैं, फिर पुरुषार्थ करो। सूर्यवंशी बन जाते क्या? सूर्यवंशी कोटि बनते क्या? टूटने वाले हो फिर आते हैं ना? सूर्यवंशी बन जाएंगे, लेकिन जो पहले आकर के ऊंच पद बना सकते थे, वो पद नहीं बनेगा। सूर्यवंशियों में भी तो ऊंचे से ऊंचे 8 पद है ना। कोई कहे हम टूट जाएंगे, अनिश्चय बुद्धि पन करके हम बाहर की दुनिया में जा रहे हैं, फिर हम लौट के आएंगे अंत में, लास्ट में, क्योंकि बाबा ने बोला है लास्ट सो फास्ट चले जावेंगे। तो क्या वो अष्टदेव की लिस्ट में आ जावेंगे? अष्टदेव की तो लिस्ट ऐसी है कि जब से बेसिक में आते हैं या जब से एडवांस में आते हैं, जिस दिन से, उसी दिन से तुरंत दान, महान कल्याण, तन से भी बाप के बन जाते, मन से भी बाप के बन जाते, जो भी धन संपत्ति तटा पूंजिया है वो सब बाप के, संपर्क जितने भी हैं, संबंधी भी जो भी हैं, चाहे माँ बाप ही क्यों न हो, उनको भी सपोर्ट नहीं करेंगे, किसको सपोर्ट करेंगे? उसी दिन से, जिस दिन से उनको संदेश मिलता है, निश्चय बैठता है, बाप को ही सपोर्ट करेंगे। समर्पित हुए तो स्वार्थ के लिए जिंदगी जीने वाले नहीं है, परमार्थ के लिए ही जिएंगे। इसलिए वो 8 की गिनती शिव की अष्टमूर्तियों में आती है। और इंसान 12 मास का होता है ना, 9 मास का पढ़ाई पड़ी, 3 मास बाकी 3 मास इसका बने के कारण है, क्या अर्थ है? 3 मास का अर्थ क्या क्या है बाबा? पूरा वाक्य बोलो ना। जैसे वह इम्तहान 12 मास का है ना, यह लिए 9 मास हमने पढ़ाई पढ़ी, बाकी 3 मास का अर्थ, 3 मास स्थापना के कार्य में है, इसका अर्थ क्या है? आप वाक्य को ज्यों का त्यों निकाल के लाइए और ज्यों का त्यों पढ़िए, ऐसे उल्ट पल्ट हो जाता है। जैसे वह इम्तहान 12 मास का, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, वैसे वह इम्तहान 12 मास का होता है ना, होता है, यह भी है 9 मास हमने पढ़े है, बाकी 3 मास स्थापना में ही होगी। कौन से सन की मुरली है? 12 3 96 है, 96
69 की वाणी है। माने जब बाबा ने शरीर छोड़ा, बाबा ने शरीर छोड़ा उस समय तक बताया कि 9 मास माने 3/4 हमने पढ़ाई पढ़ी, उसके बाद अपनी अपनी तैयारी की छुट्टी हो जाती है। तो 69 में ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ दिया, अब 3 मास रह गए। 3 मास का मतलब है 76 के लिए घोषणा की थी बाबा ने, तो 76 आने में कितने साल रह गए है? 8 साल रह गए। ये 8 साल जो हैं, वो 1/4 टाइम समझो, 3 महीना। ये 8 साल पूरे होंगे और पढ़ाई का रिजल्ट निकल जाएगा। बाबा ने जब शरीर छोड़ा था तो कितने साल यज्ञ में रहे? हाँ, 32 साल यज्ञ में रहे। और उसमें से 46-47 से पहले का टाइम निकाल दो है? 10 साल निकाल दो, कितना हुआ? 23 साल बचे। तो जो 23 साल बचे वो 8 24 8 × 3 8 × 3 3/4 हो गया, वो 3/4 टाइम निकल गया उनके पुरुषार्थ का। अब कितना टाइम बचा? 3 महीने बचा, माने 8 महीने बच गए। वो 8 साल, वो 8 साल में रिजल्ट निकल गया कि बाबा जो पढ़ाई पढ़ा रहे हैं वो कौन सी पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, लक्ष्य क्या है? नरसे नारायण बनने की पढ़ाई है, उसका रिजल्ट निकलना है 76 में। जो बोला है लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ? आज से 10 वर्ष कम 5000 वर्ष हुआ। 66 की वाणी है, 76 में वो टाइम पूरा हो जाता है। तो ब्रह्मा बाबा भी पढ़ाई पढ़ने वाले थे ना, टाइम पूरा हुआ 1 साल, रिजल्ट निकला। तो ब्रह्मा बाबा वो नरसे नारायण बनने वाली पढ़ाई में पास होकर के आए या फेल हो गए? है, फेल हो गए। और फोल्ड किया हुआ दिखाते हैं है? लक्ष्मी नारायण के चित्र में लक्ष्मी का पल्लू का बॉर्डर फोल्ड किया हुआ क्यों दिखाते हैं? फोल्ड किया हुआ ऐसे करके। और नारायण का? नारायण का भी फोल्ड किया हुआ ऐसे लटका है, फिर ऐसे लटका है कि नहीं है? हाँ, ओम शांति।